अस्सलामुअलैकुम शाहीन टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। आपकी सबसे बड़ी खबर दें आपको, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। मुंशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे की जमानत मुंबई हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। आज मुंबई हाई कोर्ट में आर्यन खान और उनके दिगर साथियों की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। यहाँ अदालत ने बकायदा तौर पर शाहरुख खान के बेटे समेत उनके साथी अरबाज मर्चेंट और दोनों साथी की भी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। हिंद टीवी को मसूल होने वाली इतला में बताया गया है कि अदालत की जानिब से बकायदा तौर पर यह फैसला जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन बकायदा तौर पर अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा, जिसके बाद शाहरुख खान के बेटे को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इससे कबल आर्यन खान की दरख्वास्त जमानत 3 बार मुस्तरद हुई थी, लेकिन आखिरकार शाहरुख खान के बेटे ने एक बड़ी आजमाइश से गुजरकर यह लम्हा तय किया है। एनसीबी की जानिब से शाहरुख खान के बेटे को 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप में होने वाली पार्टी से गिरफ्तार किया गया था, जहां उन पर इल्जाम था कि उनसे मुंशियात बरामद हुई है। आर्यन खान समेत 18 अफराद इस केस में गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अब उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। शाहीन टीवी आपको सबसे पहले ये खबर दे रहा है। शाहरुख खान और गौरी खान इससे कबल जेल में 2 बार अपने बेटे को मिल चुके हैं। इस हवाले से जब उनकी जमानत मंजूर हुई है तो अभी तक किसी किस्म का शाहरुख खान फैमिली की जानिब से रद्दअमल सामने नहीं आया है। यकीनन इस मरतबा 2 नवंबर को वैसे भी शाहरुख खान का बर्थडे है, अगर इस मौके पर आर्यन खान भी घर पहुंच जाता है तो यकीनन खुशी दुगनी हो जाएगी। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज आपको मिलती रहे। यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।